नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल पर जिसका नाम है कॉस्मिक फोरम बाय लक्ष्मी नारायण। आज हम आपके लिए लेके आए हैं डिटरमिनेंट के 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन। जो सीबीएसई है वो बिल्कुल चिच्चड़ है, सीबीएसई बिल्कुल चिच्चड़ है। आप कहोगे सर ऐसे कैसे, आपके सामने मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं। ये चारों के चारों क्वेश्चन सीबीएसई को इतने पसंद है कि पिछले 5-6 सालों का पेपर आप उठा के देख लेना, कम से कम 3 से 4 बार हर पेपर में यही क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। हालांकि इनकी शक्ल देख लो और इनके एक्सप्रेशन देख लो, लगभग लगभग एक जैसे हैं। एक कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। ये सीबीएसई का 2018 का क्वेश्चन है, ये कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है, ये 15-16 का पेपर उठाना उसके बीच में आपको मिलेगा, और ये वाला भी दिल्ली के बीच में 2017 के बीच में क्वेश्चन था, ठीक है। तो चारों के चारों क्वेश्चन एक जैसे हैं, ध्यान से कीजिएगा, मैं एक करवा रहा हूं, बाकी आप अपने आप से कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो चलिए, ये वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन आया था बिल्कुल रिसेंटली अभी पेपर में, तो इसी को करते हैं। तो आपसे क्या कहता है, देखो क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिख लेना और अपने आप से हल करने की कोशिश करना, बिल्कुल पेपर में आ सकते हैं और सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है जी। तो चलिए इसको देखते हैं, इसकी स्टेटमेंट को मैं यहां लिख देता हूं। हमारे पास है 1 प्लस का 3x, 1 प्लस का 3y, दिस इज 1, दिस इज 1, 1 1 प्लस का 3z, 1, दिस विल बी इक्वल टू 9 ऑफ 3xyz प्लस का xy प्लस का yz प्लस का zx। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सबसे पहली चीज तो आप ये देखो, xyz चाहिए, xy yz और zx चाहिए, ठीक है। तो कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे, देखिए सबसे पहली चीज है कि हम लोग पहली रो में से x को कॉमन लेंगे, दूसरे में से y को कॉमन लेंगे और तीसरे में से z को कॉमन लेंगे। आपको गया ऐसा क्यों, आपने सबसे पहले स्टेटमेंट देखी थी, उसमें लिखा था ए बी सी इंटू 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी, ये बिल्कुल उसी तरह एक एक्सप्रेशन है। तो आप लिखो टेक एक्स वाई जेड, टेक एक्स वाई जेड कॉमन फ्रॉम आर वन आर टू आर थ्री, R1, R2, R3 से एक्स वाई जेड को कॉमन ले लो, तो उससे क्या आएगा बोलो, ये एक्स वाई जेड आ गया कॉमन। तो हम इसको लिखेंगे, दिस विल बी 1 बाय एक्स, इसको मैं लिखूंगा 1 बाय एक्स, इसको मैं लिखूंगा 1 बाय एक्स प्लस का 3, ऐसा बनेगा क्योंकि x x कैंसिल हो जाएगा। जब यहां से निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 1 बाय वाई प्लस का 3, इसको मैं लिखूंगा तो 1 बाय वाई, इसको मैं लिखूंगा तो 1 बाय वाई, इसको लिखिए 1 बाय जेड, इसको मैं लिखूंगा तो 1 बाय जेड प्लस 3, और मैं इसको लिखूंगा तो 1 बाय जेड। कुछ अच्छी अच्छी सुगंध आने लग गया ना, सुगंध क्या आने लग गया कि अगर मैं इसको ऐसे करके जोड़ दूं तो हर एक में से सेम कॉमन निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो आप यहां लिखिए अप्लाई, प्रॉपर्टी को अप्लाई कीजिए और सुंदर सुंदर सुगंध जो है उसको लेकर 4 नंबर पक्के कीजिए, ठीक है। तो इसको लिखेंगे एक्स वाई जेड, ये हमारे पास आएगा 1 बाय एक्स प्लस में 1 बाय वाई प्लस में 1 बाय जेड प्लस में 3, इसको लिखेंगे 1 बाय एक्स 1 बाय वाई 1 बाय जेड प्लस 3, इसको लिखेंगे 1 बाय एक्स 1 बाय वाई 1 बाय जेड प्लस 3, इसको देखिए क्या लिखा हुआ, 1 बाय वाई प्लस 3, 1 बाय वाई और 1 बाय वाई, 1 बाय जेड, 1 बाय जेड प्लस 3 और 1 बाय जेड, ठीक है। तो पहले रो में से कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लो। तो हमने पहले रो में से कॉमन निकाल लिया, एक्स वाई जेड तो था ही, इसको लिखा 1 बाय एक्स 1 बाय वाई 1 बाय जेड और प्लस का 3। तो जब मैंने इसे से कॉमन निकाला तो मेरे पास क्या आ गया, 1 1 1, ये मेरे पास क्या है, 1 बाय वाई प्लस 3, दिस इज 1 बाय वाई, दिस इज 1 बाय वाई, 1 बाय जेड, 1 बाय जेड प्लस का 3 और 1 बाय जेड। उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑपरेट, हम लोगों ने ऑपरेट किया आर टू के प्लेस पे, आर टू माइनस आर वन सॉरी सी टू के प्लेस पे, क्योंकि रो में है ना तो प्रॉपर्टी किसमें बताया था, कॉलम में, तो सी टू के यहां सी टू माइनस सी वन और सी थ्री के यहां सी थ्री माइनस सी वन, तो क्या बन जाएगा बोलो, हम इसको लिखेंगे एक्स वाई जेड 1 बाय एक्स 1 बाय वाई 1 बाय जेड और प्लस का 3। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा, 1 1 बाय वाई प्लस 3
वन बाई जेड। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस तीन, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तीन आएगा। इसको सब्ट्रैक्ट किया जीरो, इसको सब्ट्रैक्ट किया माइनस का थ्री, और इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आएगा जीरो। ठीक है जी, तो दो कॉमन आ रहा था, सॉरी दो जीरो बन गया। अब एक्सपेंड कर दो, तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करके हमारे पास क्या आएगा, ये तो जीरो आएगा, और थ्री का मल्टीप्लाई माइनस थ्री से करेंगे माइनस नाइन, उस डायरेक्शन में जाते हुए एक माइनस और लगाएंगे तो प्लस का नाइन आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड, वन बाई एक्स, वन बाई वाई, वन बाई जेड और प्लस में थ्री। तो इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो तो हमारे पास आएगा नाइन। इस एक्स वाई जेड को बीच में ले जाके मल्टीप्लाई करो, जब आप इस एक्स वाई जेड को बीच में ले जाके मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा वाई जेड। इस एक्स वाई जेड का वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा एक्स जेड। इस एक्स वाई जेड का जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दिस विल बी एक्स वाई। और इस एक्स वाई जेड को तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा दैट विल बी प्लस का थ्री एक्स वाई जेड। तो ऐसा हमारा आंसर आएगा, बिल्कुल आसान, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बस आपको इसको समझ में आना चाहिए ये चीज। आप ध्यान रखना, तीनों प्रोडक्ट में और दो प्रोडक्ट में तभी मिलते हैं जब हमारे पास इस तरह की चीजें बनती है, ठीक है ना। और ये वाली चीजें जो है वो बार बार पेपर में आ रही है, आपको ध्यान रखना। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन लिख के दिखाए थे वो सारे क्वेश्चन अपने आपसे प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल होंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीबीएसई का ऑल इंडिया का 2019 का सवाल है, बिल्कुल टुच्चा सा है। मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आप मुझे फटाफट से करके दिखाना, ठीक है। तो जो 2019 है, 2019 का जो सवाल था, 2019 का सवाल हमारे पास क्या था, जो 2019 है उस 2019 का जो सवाल है वो क्या था। तो 2019 के सवाल में हमारे पास लिखा है क्या, 3a, उसके बाद लिखा है माइनस का a प्लस बी, फिर हमारे पास है माइनस का a प्लस सी, माइनस का b प्लस ए, दिस विल बी 3b, और माइनस का b प्लस सी, माइनस का c प्लस ए, दिस इज माइनस का c प्लस बी एंड दिस इज 3c। आपसे कहते हैं प्रूव करके दिखाइए कि जो इसका आंसर आएगा 3 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, और फिर आपसे बोलता है ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी। ये 2019 का क्वेश्चन है सीबीएसई का, ऑल इंडिया का, ठीक है। बेशक आप पेपर चेक कर सकते हो, आपको ये क्वेश्चन वहां पे मिलने वाला है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और था 2018 के कंपार्टमेंट के पेपर में, उसकी मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, कर आप अपने आप से लीजिएगा, इतना इसको सोचिए फटाफट। 5a माइनस 2a प्लस बी और माइनस का 2a प्लस सी, दिस इज माइनस का 2b प्लस ए, दिस विल बी 5b, इसको लिखूंगा तो माइनस का 2b प्लस सी। ये हमारे पास है माइनस का 2c प्लस ए, माइनस का 2c प्लस बी एंड दिस विल बी 5c, दिस विल बी इक्वल टू 12 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, और उसकी ब्रैकेट में हमारे पास है ए बी प्लस का बी सी और प्लस का ए सी। ठीक है, ये इसका आंसर आना चाहिए। अब मुझे सोच के बताइए कैसे करेंगे, दोनों क्वेश्चन है। सबसे पहले दोनों की स्टेटमेंट लिख लीजिए कॉपी में, एक मैं करूंगा एक आप अपने आप से कर लेना। ये सीबीएसई के 2018 के कंपार्टमेंट के पेपर में था, और ये जो हमारे पास है, आप सोचोगे पिछले वाला भी 2018 बोल रहा था भाई, दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली दो कोड थे इसके। ये वाला जो क्वेश्चन था ये शायद आउटसाइड दिल्ली में था, और जो पिछले वाला था ए बाई एक्स वाला वो जो था दिल्ली वाले कोड का था। ठीक है जी, इसकी तरफ चलते हैं। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूंगा तो मुझे एक चीज समझ में आती है, इस क्वेश्चन में कहीं पे 111 नहीं है। अगर 111 बन जाए तो क्लेश खत्म है, सवाल खत्म हो जाएगा। चलिए, हमें या तो ये चाहिए, हमें या तो ये चाहिए। आप सोच के बताइए कैसे बन सकता है, या 3a लिखा है, ये माइनस ए है, ये माइनस ए है, ये बी है और ये सी है। अगर मैं इन सबको ऐसे करके जोड़ दू, सी वन में सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री कर दो तो मुझे ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा। यहां करके देखो वहां भी मिलेगा, यहां करके देखेंगे यहां भी मिलेगा। ठीक है जी, तो आप लगा दो प्रॉपर्टी, C1 के प्लेस पे C1 प्लस का C2 प्लस का C3। तो जब मैं इसको ऐड करूंगा, ऐड करके क्या आएगा, 3A में से A के गया 2A, 2A में से A के गया A प्लस का B प्लस का C। इसको देखते हैं, माइनस का B प्लस का 3B माइनस का B, तो यह आ गया B प्लस का A प्लस का C। इसको लिखेंगे A, ठीक है, प्लस का B
और तीन सी में से दो सी को घटाएंगे तो सी आ जाएगा, ठीक है। यहां हमारे पास आएगा माइनस का ए प्लस बी, दिस विल बी थ्री बी, दिस विल बी माइनस सी प्लस बी, माइनस ए प्लस सी, माइनस का बी प्लस सी एंड दिस विल बी थ्री सी, ऐसा बनेगा। तो चलिए इसमें से ए प्लस बी प्लस सी को निकालो पहले तो बाहर, तो भैया ए प्लस बी प्लस सी तो आ गया बाहर, वन वन वन, इसको लिखेंगे तो आएगा माइनस का ए प्लस बी, दिस विल बी थ्री बी, और माइनस का सी प्लस बी, इसको लिखेंगे तो आएगा माइनस का ए प्लस सी, माइनस का बी प्लस सी एंड दिस विल बी थ्री सी, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो आप अपने आप से कर लेना। अब खुशी का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि वन 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 तो बन गया, सबसे ज्यादा जरूरी तो यही होता है, तो हमने क्या लिखा, ऑपरेट किया हम लोगों ने, ऑपरेट आर टू के प्लेस पे आर टू माइनस आर वन और आर थ्री के प्लेस पे आर थ्री माइनस आर वन, ऐसा कर दिया। तो भैया लगा दो इसके बीच में क्या बन जाएगा, दिस विल बी ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारे पास बनेगा वन माइनस का ए प्लस बी माइनस का ए प्लस सी, दिस विल बी जीरो, तीन बी में से एक भी जाएगा तो दो बी, माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, सी में से सी घट जाएगा तो माइनस का बी प्लस ए, दैट मीन्स ए माइनस बी, ऐसा बनेगा। चलिए वन से वन जाएगा अगेन जीरो आएगा, तो माइनस सी प्लस बी में से आप घटाओ, बी से बी चला गया तो यह आएगा ए माइनस सी, थ्री सी में से एक सी जाएगा तो टू सी और प्लस का बन जाएगा ए, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसको लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कैसे होगा, ऐसे एक्सपेंड कर दो, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा बोलो, टू बी का टू सी से करेंगे तो फोर बी सी, टू बी का ए से करेंगे तो आएगा टू ए बी, ए का मल्टीप्लाई टू सी से करेंगे तो टू ए सी, ए का मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो हमारे पास आएगा ए का स्क्वायर, उसके बाद माइनस का निशान, ए का मल्टीप्लाई ए से करेंगे ए का स्क्वायर तो माइनस ए स्क्वायर हो गया, ए का मल्टीप्लाई बी से करेंगे तो माइनस ए बी, एक माइनस पहले से है तो प्लस का ए बी, सी का माइनस सी का मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो माइनस सी ए, एक माइनस और आएगा तो प्लस का ए सी, सी का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो प्लस का बी सी, एक माइनस रहेगा तो माइनस का बी सी, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया तो हमारे पास क्या आएगा, दिस विल बी ए प्लस बी प्लस सी, और जब मैं इसको देखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, फोर बी सी में से एक बी सी जाएगा तो कितना आ जाएगा, तीन बी सी, दो ए बी में से एक ए बी जोड़ेंगे तो तीन ए बी, दो ए सी में एक ए सी जोड़ेंगे तो क्या आएगा, थ्री ए सी, हमने यहां से तीन को कॉमन निकाल लिया, तो जब तीन को कॉमन निकालेंगे तो बीच में आएगा ए प्लस बी प्लस सी, और यहां बनेगा बी सी प्लस का ए बी और प्लस का ए सी, तो इस तरह का ये क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान स्ट्रेट फॉरवर्ड था। आजकल ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं आ रहे हैं, तो इस तरह का सवाल पेपर में आने की पूरी उम्मीद है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा हमें क्या चाहिए, और फिर आप कुछ भी करके कोशिश कीजिए कि किसी तरीके से वन 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 मिल जाए, वन 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 मिल गया तो उसके बाद क्वेश्चन जो है वो अपने आप से खत्म हो जाता है, ठीक है जी। तो कर लेंगे इसको, आसान था बिल्कुल। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है, ठीक है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है कि किस तरह का जो सवाल है वो हमारे पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मैं उसका सिर्फ बना के दूंगा आपको फॉर्मेट, करना वो क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को अपने आप से है, ठीक है। जो क्वेश्चन हमारे पास है उस क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे देखो, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा है बी प्लस सी का स्क्वायर, दिस विल बी ए स्क्वायर बी सी, सी प्लस ए का स्क्वायर, दिस विल बी बी स्क्वायर सी, इसको लिखेंगे a प्लस बी का स्क्वायर, दिस विल बी सी स्क्वायर और साथ में क्या आएगा ए बी, आपसे कहते हैं प्रूव करके दिखाओ, इसका आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, और हमारे पास लिखा है a प्लस बी प्लस सी, और फिर लिखा है क्या b माइनस सी, सी माइनस ए, ए माइनस बी, ठीक है। मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट बना के दूंगा, क्वेश्चन जो है वो आपको अपने आप से करना है, ठीक है। इस वैसे इस चैप्टर के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं,
मेरे को तो हर यही लगता है कि ये भी पेपर में आ सकता है, ये भी पेपर में आ सकता है। तो इतने सारे क्वेश्चंस मैं आपको सारे नहीं करा सकता हूँ, सारे करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। थोड़ा सा समय निकालिए, सीखने के लिए बहुत कुछ है। मैं जानता हूं कि प्री बोर्ड के सॉरी फाइनल एग्जाम आ रहे हैं तो समय कम है, लेकिन फिर भी सीखना चाहिए, आपको काम आएगा आपके बोर्ड। ठीक है, एक घंटा डेढ़ घंटे में कुछ नहीं जाता है। चलो इसको देखो सामने फटाफट क्या कहता है। हमारे पास क्वेश्चन में लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर क्या लिखा है ए प्लस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और साथ में क्या लिखा है ए माइनस बी। ऐसे लिखा है कि नहीं लिखा? ठीक है, चलिए अब कुछ भी करके हम लोगों को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसको ताकिए, है ना, घूर घूर के देखे, घूर घूर के इसको देखे क्वेश्चन को फटाफट, और मुझे बताइए कैसे बन सकता है। अगर मैं इसका स्क्वायर ओपन करूं तो क्या बनेगा, बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस का 2bc, ये मेरे पास क्या है ए स्केयर और ये मेरे पास क्या है bc। आप क्या करेंगे, ऑपरेट c1 की जगह c1, मेरे पास क्या आ गया बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस ए, बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2bc। bc तो नहीं चाहिए, यहां पे पड़ा है, तो आप ऐसा करो c3 को 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दो, कर सकते हैं ऐसे, उसके बाद इसको जोड़ दो। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो मुझे पहले वाले रो में मुझे क्या मिलेगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर मिलेगा। तो आपके पास आएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, दिस विल बी ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर बी सी सी ए और ए बी, ऐसा बनेगा ना। तो इसमें से कॉमन निकाल लो, तो जब आप यहां से ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर को कॉमन निकालोगे तो बीच में वन 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 बचेगा, यहां आएगा ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर बी सी सी ए और ए बी। ठीक है, आगे मैं नहीं करवा रहा हूं, आगे का जो क्वेश्चन है वो आप लोग अपने आप से कर सकते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल 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 आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है जी, तो कर लेंगे इसको, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और आप सब लोग जो है वो इसको अच्छे से कर लोगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कई कई बार बहुत अच्छे मूड में बैठा होता है तो इस तरह के आसान क्वेश्चन भी डाल देता है, आपसे कहता है सोल्व फॉर एक्स, आपको एक्स का जो है वो मान निकालना है कि जो एक्स है उस एक्स का मान जो है वो क्या आएगा। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ऐसा लिखा है ए प्लस का एक्स ए माइनस एक्स, इसको लिखूंगा ए माइनस एक्स, दिस विल बी ए माइनस एक्स ए प्लस का एक्स ए माइनस एक्स, इसको मैं लिखूंगा ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स ए प्लस का एक्स, आपसे कहते हैं जीरो के बराबर है। तो आपको यहां से एक्स का वैल्यू निकालना है कि जो हमारे पास एक्स होगा उस एक्स का जो वैल्यू है वो क्या आएगा। ठीक है, तो निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अगर इसके आसपास चारों तरफ क्राउड एक जैसा है, जैसे देखो ना ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, सेम है ना, जब सेम है तो हम लोग आइडेंटिटी लगाते हैं, प्रॉपर्टी लगाते हैं, सी वन की जगह सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, आर वन की जगह भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उससे फायदा क्या होगा, ए ए ए तो कितना हो गया 3a, एक्स से एक्स कट गया कितना बचा माइनस एक्स, एक्स से एक्स कट गया अगेन आएगा 3a माइनस एक्स, इसको भी मैं लिखूंगा तो मेरे पास आएगा 3a माइनस एक्स, दिस विल बी a माइनस एक्स a प्लस एक्स a माइनस एक्स, दिस विल बी अगेन a माइनस एक्स a माइनस एक्स और a प्लस एक्स, किसके इक्वल आएगा जीरो के। तो यहां से 3a माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, तो 3a माइनस एक्स को हमने निकाला कॉमन, तो बीच में क्या आएगा 1 1 1, इसको मैं लिखूंगा a माइनस एक्स a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स। ठीक है जी, फिर आपको दिख रहा है कि हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, आर टू लगा सकते हैं ना प्रॉपर्टी, क्योंकि कॉलम में आ गया, तो आर टू की जगह आर टू माइनस आर वन और आर थ्री के प्लेस पे आर थ्री माइनस आर वन, तो क्या आ जाएगा बोलो, सो यू कैन राइट इट एज दिस विल बी 3a माइनस एक्स, इसको मैं लिखूंगा 1a माइनस एक्स a माइनस एक्स, 1 में से 1 गया 0, a में से a जाएगा, x में से x जाएगा तो 2x हो जाएगा, a से a गया 0, माइनस x से माइनस x गया 0, 1 से 1 गया 0, a माइनस x से a माइनस x 0, इसको घटाएंगे तो a से a जाएगा, x में x को जोड़ेंगे तो 2x आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको एक्सपेंड कर दो,
तो जब आप इसको फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4x का स्क्वायर माइनस 0, तो इसको लिखेंगे 3a माइनस x विल बी 0, यहां से लिख सकते हैं 4x का स्क्वायर 0, तो 3a का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, x आएगा, और जब आप यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो भी कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा, ताकि इसके अंदर और अच्छा इंप्रूवमेंट हम लोग कर सके। ठीक है जी, तो डिटरमिनेंट में इतना ही, और अच्छे क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मेरा तो ये मानना है कि आपको पूरी एक्सरसाइज अच्छे से करनी चाहिए। ठीक है जी, तो इसी प्रकार हमारे से जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। मैट्रिसेस के ऊपर अगेन कंटिन्यूड वाला टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उसके बीच में देखने को मिलेगा, कौन सा, इनवर्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल सही पकड़ा, 6 नंबर देगा आपको पेपर में, पक्का आएगा बिल्कुल। ठीक है जी, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, इसी प्रकार जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।